Hello everyone, this is Jamrod Singh and you're watching Jamrod Singh Vlogs. Guys, today I welcome you to my vlog. मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ तो आप समझ ही जाते होंगे, तो किसी ना किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात ज़रूर करता हूँ. तो आज आप सबको पता ही है कि हमारे एक, मुझे नहीं पता 2020 कैसा साल चढ़ा है कि इस साल में मतलब हम अपने चहेते लोगों को खोते जा रहे हैं. फिल्म एक्टर्स जैसे कि आपने देखा ऋषि कपूर, इरफान खान जी, और अब ये सब वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो एक माने हुए इंडिया के फाइनेस्ट एक्टर में से एक थे, और बंदा अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, मतलब ज़ीरो से उठ के यहाँ से बंदा स्टार बना, और लास्ट में हुआ क्या ये. इससे एक चीज़ तो मेरे को क्लियर हो गई है कि मतलब मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, पैसा खुशी नहीं ला के दे सकता. जब तक आपके दिल में खुशी नहीं है तब तक आप खुश हो नहीं सकते, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी पैसा कर लो, जो मर्ज़ी शौक पूरे कर लो, खुश नहीं हो सकते. अब जहाँ तक बात की जाए सुशांत की, तो सुशांत एक यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था बंदा. मुंबई आया, सीरियल्स में 2008 से काम करना शुरू किया. करते 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 बंदे ने मूवीज़ स्टार्ट की. मूवीज़ करते करते आप सबने देखा, सबने पसंद किया, और इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद जब एक मुकाम हासिल हुआ. इस डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ थी जो उसको ज़िंदगी से जीतने में उसने रोक दिया. अभी उसकी मूवी भी आई थी सुशांत की रिसेंटली, अपना छिछोरे, जिसमें ही इज़ एक्टिंग लाइक अ फादर, और उसका बेटा किसी IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता और सुसाइड अटेम्प्ट करता. तो वो खुद एक मतलब कि आप देख सकते हो कि उसने खुद मूवी में ये मैसेज दिया है कि सुसाइड इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड एक आंसर नहीं होता, कि आप ये सब कुछ करो. ये चीज़ बड़ी गलत है जो हुई है, बट क्या कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता. सुशांत की अपनी लाइफ थी, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ डिप्रेशंस में पता नहीं क्या क्या वो फेस कर रहा होगा, मतलब कितना कुछ उसने फेस किया होगा, कितना कुछ दिल के अंदर रखा होगा. और एक चीज़ उस बंदे की मानने वाली थी कि ही हैज़ ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस, हमेशा वो हंसता रहता था. शायद उसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था लोगों के साथ, या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, दोस्तों के साथ, जिसकी वजह से वो चीज़ें इकट्ठी होती गई, बंडल अप होती गई, और लास्ट में जो हुआ वो आपके सामने है. सबको पता ही है कि उसकी जो ये सब कुछ हुआ वो डिप्रेशन की वजह से हुआ. अब डिप्रेशन एक देख सकते हो, आपके इतने बड़े लेवल के एक्टर जिसके पास हर चीज़ है, सब कुछ है, बट वो डिप्रेशन ने उसको हरा दिया. दोस्तों ऐसा है कि यार डिप्रेशन जो है किसी को भी हो सकती है. हम सबको कभी ना कभी हम डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लेवल तक चले जाएं कि मतलब ये सब कुछ कर लें, एक गलत है वो. जहाँ तक मेरा मानना है कि डिप्रेशन से बचने के लिए एक बच्चे को बचपन से उसकी अगर परवरिश वैसी की जाए, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो इस चीज़ में नहीं पड़ेगा, उसको ये चीज़ नहीं होगी, उसका एंड ऐसा नहीं होगा. जो कि टू बी वेरी प्रिसाइज, पेरेंट्स हमारे ही देख लो, जो मतलब कि एक बच्चे को चाहते हैं कि उसका अच्छा हो, हर चीज़ में अच्छा हो, ये हो वो, और वो कोशिश करते हैं. कई बार तो बोल भी देते हैं कि हम आपके दोस्त हैं. दोस्ती बोल के नहीं की जाती, दोस्ती एक्सप्रेस करके की जाती है. दोस्ती पैसे से नहीं की जाती कि आप बच्चे को अपने पैसा दे रहे हो तो वो आपका दोस्त हो, नहीं. दोस्ती उसकी खुशियों में शरीक होके की जाती है, दोस्ती उसके दुख में उसके साथ बैठ के की जाती है, दोस्ती उसके साथ एक दोस्त बन के की जाती है, बोल के नहीं की जाती. और जिस दिन आप अपने बच्चे के दोस्त बन जाओगे, जिस दिन आप समझ जाओगे कि हमारा जो बच्चा है या हमारा जो दोस्त है वो क्या फेस कर रहा है, वो उस दिन आपसे शेयर करेगा. बचपन से ही अगर आपका रिलेशन अपने बच्चे के साथ ऐसा होगा, फ्रैंक होगा, बिल्कुल क्लोज हो गया. एक बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा क्लोज रिश्ते में होता है, बट मेरे हिसाब से आजकल की सोसाइटी में वो माँ बाप से काफ़ी दूर हो चुका है, काफ़ी दूर हो चुका है, दोस्तों के पास चले गया. और उन दोस्तों के साथ भी अब जिसके, आप खुद बताओ, जो जिनका वो खून है,
वो उसके लिए ज्यादा अच्छा सोचेंगे या वो दोस्त कुछ हैं जो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा सोचेंगे? मानता हूँ कुछ दोस्त हैं, दोस्त भी मदद करते हैं आपके दोस्त, बट वो उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे जिस लेवल तक आप जा सकते हो, क्योंकि आप रिश्ता है, आपका खून है वो। तो पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप थोड़ा बच्चे के साथ फ्रैंक, थोड़ा उसकी खुशियों में शरीक, थोड़ा उसके गम में साथ होके, सिर्फ उसको डांटने में, उसकी परवरिश का पैसा देने में, उसको स्कूल भेज दिया, उसको कपड़े दिला दिए, उसको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी, इससे आपका हक अदा नहीं होता। आज आप देख सकते हो कि सुशांत के साथ जो हुआ, मे बी उस बंदे के पास कोई बंदा नहीं था जिससे वो अपनी बात शेयर करता, मे बी उसके दिल में दिमाग में ऐसी कोई, मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे वो बातें शेयर करता, अपना दिल हल्का करता और वो शख्स उसकी मदद करता ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाता। और हुआ क्या लास्ट में, तो दिस इज द मैसेज टू ऑल दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि दोस्ती एकदम नहीं होती, वक्त लगता है। तो जब तक आपके हाथों पाँव में जान है या होश में हो, जितनी जल्दी कदम बढ़ाओगे आगे तो उतनी जल्दी आप आगे पहुंचोगे। और हमेशा एक बात याद रखना, जो आपका बच्चा अगर आपका बच्चा आपका दोस्त है तो वो कोई भी स्टेप उठाने से पहले आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेगा। और यही हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा काश एक बार ये सब कुछ करने से पहले उसको बता देता, तो शायद ये सब कुछ ना होता। बट हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो बच्चा कर सकता है। सिमिलरली मैं उन बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि देखो, हर चीज़ छुपाना इज़ नॉट गुड। अपनी फीलिंग्स किसी भी बंदे से आप शेयर करो, दोस्त से शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, भाइयों से शेयर करो, मतलब किसी से भी शेयर करो यार, बट ये सब कुछ मत करो इस चीज़ में आके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। कि मतलब अभी यकीन मानोगे, कल सुबह से ये चीज़ हुई हुई है और मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब ब्लॉग शूट नहीं किया है। मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, वो ब्लॉग मैंने छोड़ के ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि ताकि ऐसे कितने सुशांत हैं जो इस सोच में अभी भी हैं और जिनके साथ अभी भी माइंड में ये चीज़ चल रही है कि हम ये स्टेप उठाएँ ना उठाएँ। हाँ, ये तो सुशांत एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, पॉपुलर बंदा था तो सबको पता चला है, बट इंडिया में, दुनिया में कितने बच्चे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि गाइस, दिल में मत रखो यार कुछ, इस चीज़ से बाहर निकलो, इस चीज़ को फेस करो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है इन सब चीज़ों के आगे, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर, अपने करियर को इतनी मेहनत करने के बाद, जो बंदा इतना कुछ शोहरत कमाने के बाद ये सब कुछ कर सकता है, तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो रीज़न ही नहीं चाहिए कोई। अपने आप को एनालाइज करो। अपनी गाड़ी की सर्विस हम हर साल कराते हैं, अपनी सर्विस की है कभी? अपने माइंड की सर्विस की है कभी? अपने दिल की सर्विस की है कभी? नहीं की है, सोचते भी नहीं है कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, शांति से बैठो। अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, शांति से बैठो, सोचो, एनालाइज करो, उसको फेस करो। अगर चीज़ से भागोगे, दुखी होगे, दिमाग में सब कुछ चलेगा, ये हल नहीं है। नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे और अल्टीमेटली क्या होगा वो आपको पता है। आपके एक स्टेप की वजह से आपके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सब को इफ़ेक्ट होगा। आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट होगा, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो इस चीज़ को मत करो मेरे दोस्तों, आपस में शेयर करो अपनी फीलिंग्स। इतने हार्ड हार्टेड मत हो, अगर आपके दिल में कुछ है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ परेशानी है तो ज़रूर शेयर करो यार। ऑल दिस इज आई वांट टू से, परेशानी ज़रूर शेयर करो और इस सब चीज़ को एनालाइज करो। संदीप महेश्वरी जी की वीडियोज़ देखो, उस बंदे ने हर एक थॉट की पर्टिकुलर, एक एक बिट बाय बिट हर एक चीज़ को समझाया हुआ बंदे ने। वीडियोस देखो, काफ़ी माइंड खुलेगा, बहुत ज़्यादा माइंड खुलेगा। संदीप महेश्वरी यूट्यूब चैनल है और उस बंदे का नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, जो एक रुपया नहीं ले रहा यूट्यूब से,
सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि खुशी है यार, खुशी मिल रही है बंदे को, पैसा नहीं चाहिए। पैसा क्या है, सुशांत के पास कम था, नहीं है ना किसी काम, तो ये चक्कर है। तो यार प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सबके आगे, जो जो मेरे भाई मेरी बहनें मेरे दोस्त दिमाग में जिनके ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़ 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 इसके बारे में सोचो और इन चीज़ों को फेस करो, ताकि ये सब चीज़ें डिप्रेशन आपके ऊपर हावी ना हो। मेडिकेशन लेने से पहले तरीके हैं, बड़े सारे तरीके हैं, देर आर एन नंबर ऑफ वे जिससे आप इस चीज़ से निकल सकते हो और निकल जाओगे। पॉसिबल है, दिस इज़ पॉसिबल, ईजी है, आसान है निकलना, बट एक स्टेप बढ़ाना ज़रूरी है। स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा मेडिसिन ले ली, वो फिजिकली जो हार्मोन नहीं बन रहे हैं जिनको बनना चाहिए, या जो बन रहे हैं उनको नहीं बनना चाहिए उनको रोक देंगे, या जो नहीं बन रहे हैं उनको आर्टिफिशियली आपके लिए दिला देंगे। नींद आ जाएगी आपको, मेडिसिन का खत्म, सो गए, पर वो स्ट्रेस ख़त्म नहीं करेंगे, मेंटल जो स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं होगा उससे। इसीलिए शांत जगह जाओ, साफ सुथरी चीज़ें खाओ, सही खाओ, अच्छे लोगों के बीच बैठो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, वो करो, इस चीज़ से डेफिनेटली आप निकल जाओगे। बस यही हाथ जोड़ के मेरी सबसे प्रार्थना है, और सुशांत की फैमिली के लिए बहुत बहुत मुझे कंडोलेंस है, बहुत बहुत दुख प्रकट करता हूँ मैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। काश मेरे भाई तेरे इतने फैंस थे, किसी के साथ ही तू शेयर कर लेता यार। आई एम फीलिंग वेरी डिसहार्टन, हार्ट ब्रोकन टुडे। तो गाइस, इसी थॉट के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनम्रता से आप सबके आगे प्रार्थना करता हूँ कि ये सब चीज़ें कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो, और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, दिस इज जमरो सिंह साइनिंग ऑफ, सी यू, शब्बा खैर इन द नेक्स्ट व्लॉग।